Hello everyone, I am Professor Ajay Shukla from Rafael BBA warmly welcomes you back to the Rafael BBA Digital Learning. And now, as a topic concern, holistic marketing concept, we discuss introduction and concept about the holistic marketing as well as two other elements of the holistic marketing. But now, let's try to have the full holistic marketing concept topic here. Let us revise it again. So far as this holistic marketing concept, we learn that this is comparatively a very new and modern approach to the marketing. All marketers must pay attention on that and make the strategy accordingly. And everything matters in holistic marketing. There are four elements. We discussed two in details earlier, relationship marketing and integrated marketing. Now let's try to understand internal marketing and performance marketing here. This is the diagram. You can have a screenshot of this and also remember the internal sub points into each and every element. Relationship marketing, I already have discussed that it is very important to make the relationship better and a very sweet and strong relationship with each and every channel partner as well as customers as well as your employees. Integrated marketing means you need to pay attention on the communications and what is happening in the market. You need to take a feedback out of that and you can make your strategy accordingly. And now, what is internal marketing? Internal marketing is an element of the holistic marketing, as we all know. It is a task of hiring, training, and motivating the able employees who want to serve customers well. यानी कि यहाँ पर आपके साथ जो जुड़े हैं लोग, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके employee हैं, worker हैं, जो भी channel partners हैं, तो क्या है कि उनको उनका जो आप कैसे उनको हायर करेंगे, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे एक अच्छे से, या तो एक्सपर्ट्स आपके साथ कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है. ट्रेनिंग कैसे देंगे एंड मोटिवेट भी कैसे करेंगे, जो भी जिसमें क्षमता है, वो पीपल आर वेरी मच एबल एंड कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म बेटर, सो एंड हु रियली विश टू सर्व योर कस्टमर्स वेल, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट. इट एंश्योर दैट एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्बरेसेस appropriate marketing principles, especially senior management. वो अच्छे से काम कर सके ऐसा expectations हर किसी कंपनी में रहता है. It makes no sense to promise excellent service before the company's staff is ready to prove it. जब तक आपका खुद का अपना staff ready नहीं है mentally या तो physically, तो दिल से काम करने के लिए, या तो वो नहीं चाहते कि मैं अपनी कंपनी की प्रोडक्ट या तो सर्विस को बेस्ट साबित कर लूँ, तब तक हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी काम में नहीं आने वाला. इसलिए ये बात श्योर करना जरूरी है, सबको आप अच्छे से अपने साथ अच्छे से जोड़े रहे और उनको मोटिवेट करते रहे. और अगर आप किसी अच्छे से बात कर लेंगे अपने एम्प्लॉय को, उनको मोटिवेट कर लेंगे, तो वो भी एक प्रकार का मार्केटिंग ही है, जिसको इंटरनल मार्केटिंग हम कहते हैं और होलिस्टिक मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. और लास्ट जो है वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग. तो आफ्टर ऑल, जब अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे कितना अभी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनका फीडबैक मिलना जरूरी है. अगर एग्जाम दे दिया तो ठीक है, आपने अपना काम कर लिया, लेकिन एग्जाम के बाद आपने कैसा परफॉर्म किया है वो भी जानना जरूरी है. तो सेम उसी तरीके से मार्केटिंग में भी, आपने अगर प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट में, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपने मार्केट में बेच रहे हैं बरसों से, तो भी उसमें क्या वो परफॉर्म कर रहा है और आगे क्या क्या जरूरी है, कौन से एक्शन लेना, ये भी जानना जरूरी है. इसलिए भी मार्केटिंग यानी कि होलिस्टिक मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. परफॉर्मर मार्केटिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एंड एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स टू द बिजनेस एंड सोसाइटी फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज. जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे आपके बिजनेस हो या तो सोसाइटी को भी क्या फायदा मिल रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपकी जिसको बोलते हैं ना कि ये आपकी
जिम्मेवारी है। टॉप मार्केटर्स आर इंक्रीज, जो भी लीडर्स है, जो भी टॉप मार्केटर्स है, वो क्या करते हैं, दे आर इंक्रीजिंगली गोइंग बियॉन्ड दी सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू तो मिल गया, लेकिन उसके बावजूद उससे एक कदम आगे बढ़ के भी वो क्या करते रहे, दे आर ऑलवेज एग्जामिन वॉट मार्केटिंग स्कोर कार्ड एंड इंटरप्रीट वॉट इज हैपनिंग टू आइदर मार्केट शेयर हो, कस्टमर्स लॉस रेट हो। देखो, कस्टमर्स आपके साथ जुड़ते हैं तो उससे विपरीत एक बात और समझ लो कि कई बार वो कस्टमर्स आपको छोड़ के चले भी जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर दे, तो ये भी आपको पता लगाना जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कितना उनको सेटिस्फाइड आप कर रहे हो, प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी कैसी परफॉर्म कर रही है, एंड अदर मेजर, देयर आर लॉट मेनी टूल्स अवेलेबल, स्टैटिस्टिकल टूल्स आर अवेलेबल सो दैट यू कैन मेजर इट। इसको बोलते हैं फिर स्कोर कार्ड, बोलते हैं कि क्या स्कोर हो रहा है। अगर स्कोर आपके हिसाब से ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हमेशा ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग द लीगल, एथिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। खाली इतना ही जानना जरूरी नहीं, लेकिन उसके बाद लीगल, एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट भी क्या हो रहा है आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी का, ये भी आपको एक एनालिसिस करना चाहिए। और ये चार एलिमेंट आप समझ लेंगे तो पूरा का पूरा मार्केटिंग इसके अंदर है। मेजोरिटी, पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मार्केटिंग पार्ट इज कवर्ड हियर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल, एंड इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, ओके। एंड आई होप यू ऑल हैव नाउ क्लियर अबाउट द होलिस्टिक मार्केटिंग। थैंक यू सो वेरी मच, एंड जस्ट वन थिंग आई रिमाइंड, keep learning. Thank you so much.